बढ़िया बढ़िया। आगे आलोक भाई हैं, अभी ना आगे हैं हॉस्पिटल पे। ब्लड का भी वहाँ पे ज्यादा जाना था, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है। फिर मैं मुझे भी ना मार्केट जाना होगा, और फिर आज पहाड़ी बाइकर कूल पहाड़ी अटके ब्लॉक से सभी लोग मार्केट आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ काम है और एक नए ट्रिप की तैयारी है, तो उसका सामान वगैरह लेना है, उसका काफ़ी कुछ काम करना है, तो इस वजह से सभी लोग थोड़ी देर में मार्केट आ जाएंगे। तो चलिए फिर एक और ब्लॉक की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से, और आज के ब्लॉक की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और मेरे इस गाँव से। देखो अपनी तैयारी ना मार्केट निकलने की हो गई है, और दीपक भाई पहाड़ी बाइकर सभी लोग ना लगभग मार्केट पहुंचने ही वाले हैं, तो अब मार्केट चलते हैं और अपने जो नए ट्रैक की तैयारी है वो कहाँ की होने वाली है वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल ही जाएगा वीडियो के माध्यम से। बाकी अभी थोड़ा हमें अपनी जो परमिशन वगैरह है ये फॉरेस्ट विभाग से, और फिर हमें जो मेडिकल है वो भी बनाना है, अपना फिटनेस मेडिकल भी बनाना है। अब ज़्यादातर कंडीशनें ये हो चुकी हैं कि आप कहीं भी अगर ट्रैवल करते हो तो बिना मेडिकल फिटनेस के आप कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे आप गाइड हो चाहे कुछ भी हो, तो बिना उसके ना कहीं भी नहीं जा सकते, तो आप लोगों को बिना परमिशन के कहीं भी अलाउड नहीं होगा। अब हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोगों को ना एक्चुअल जो ट्रैक था उस ट्रैक की प्लानिंग लगभग हम लोग 10-15 दिन जब मैं मनाली में था ना उस टाइम से हो रही थी, पर मौसम भी ख़राब था, पहाड़ों में लगातार बारिश भी चली रही। इस साइड का जो मौसम है ना वो पूरा पैक हो रखा है, यानी मतलब जो धुंध है ना धुंध की वजह से पूरे जो माउंटेन है ना वो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। बाकी मैं भी पठालीधार ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। रूट की बात करूं, बद्रीनाथ हाईवे की बात करूं, तो यात्रा ना मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत है। अब उसका कुछ रीज़न ये भी है कि पहाड़ों में लगातार बारिश चली रही थी, और उस वजह से जो टूरिस्ट वगैरह है वो थोड़ा डर भी रहे थे कि पहाड़ों में बारिश हो रही है, फिर उस टाइम पर ना चलना भी मतलब काफ़ी रिस्की था। ये वाला जो रूट है ये है आपका उकीमठ का, और ये वाला रूट है आपका रुद्रप्रयाग हो गया श्रीनगर देहरादून वगैरह का, ये वाला रूट है। बढ़िया बढ़िया, चलो अब देखो सभी लोग ना पहुंच गए हैं, कैलाश पहाड़ी आगे से चल ही रहा है, और बाकी आगे आलोक भाई हैं, और मेरे पीछे के साइड है कूल पहाड़ी और आरटीके ब्लॉक्स। हम लोगों को ना इस वाली जगह से जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है उकीमठ यहाँ पे मेडिकल बनाना है, तो अब पहले मेडिकल का काम निपटा देते हैं। तो चलो अब हम लोग भी ना आगे हैं हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल पे ऐसे मत समझो कि क्यों आए हैं, वो हमें सिर्फ ना एक मेडिकल बनाना है, तो मैंने तो खैर कल बना दिया था, मैं ऐसे किसी काम से आ गया था, बाकी अभी इन लोगों को बनाना है। देखो यहाँ का ना जितना काम था सारा हो चुका है, पर पता क्या हो गया कि कल मेरे को जो फीस पड़ी थी वो पड़ी थी 22 रुपये, और इन लोगों को मैंने वही बताया कि यार मुझे इतनी फीस पड़ी तो यहीं करवाते हैं। अब यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पढ़ते पढ़ते
लगभग 350 इनको मतलब फीस पड़ी। अब अगर ये प्राइवेट में करते ना, प्राइवेट में वैसे ज़्यादा जाना था क्योंकि ब्लड का भी वहाँ पे ज़्यादा जाना था, फिर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ज़्यादा होनी थी, पर यहाँ पे फिर भी ठीक है। अब जो भी है बात। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रांची से आगे निकलेंगे और उसके बाद ना जो जोशी मठ आपका कल्पेश्वर वगैरह उस साइड निकलेंगे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि जो परमिशन है वो सिर्फ नंदीकुंड तक है। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मैंने जैसे कुछ टाइम पहले ना जो NIM से गाइड का मतलब कोर्स किया था वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। अब देखते हैं अगर उस सर्टिफिकेट पर ना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी चीज़ पे हम लोग सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, पहले दिखा के अगर वो अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ यार ये बंदा ले जा सकता है तो फिर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहाँ से कैलाश रुद्रा को लेके जा रहा है और मैं लेके जा रहा हूँ ऋतिक की भाई को, बाकी दीपक भाई इधर है और अभी बहुत कुछ डिसाइड किया हम लोगों ने। अब बाकी सीन कुछ ऐसा हो गया है, मतलब हमारा ना ये प्रोग्राम डिले पे डिले होते जा रहा है। अब हमें नंदीकुंड के लिए ना परमिशन चाहिए थी, अब परमिशन तो मिल चुकी है पर उसमें प्रॉब्लम पता क्या हो गई कि वहाँ के लिए एक प्रॉपर गाइड चाहिए होगा। अब उस गाइड की वजह से ऐसा हो रहा कि हम लोगों को वैसे गाइड का सर्टिफिकेट मेरे पास भी है और पर मैंने वो रजिस्टर नहीं करवा रखा है। अब उसमें यही है कि हमें वो ना पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अब अगर वो रजिस्टर हो जाता है तो फिर हमें वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर उस सर्टिफिकेट पे हम लोग ना जा सकते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, दीपक भाई की बाइक में ना छोटी मोटी प्रॉब्लम है थी तो उसको भी दिखाने के लिए रुके, बाकी अभी यहाँ पे खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं हम लोग भी आगे के लिए। खाना खाने का टाइम तो हो ही गया और लगभग 2:30 तो बज ही गया, पहले खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि मार्केट का काम निपटा देते हैं, बाकी यहाँ पे खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए। पहला काम है खाना। दीदी ठीक है, ठीक है बना, ठीक है। तो चलो खाना भी हो गया है और अब हम लोग भी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। अब पहला काम है हमारा मार्केट में कि हमारा जो चरित्र वगैरह है उसका पता करना है। जो मेरा पुराना चरित्र था ना वो पुराना मतलब उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, अब नए चरित्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ से चालान वगैरह लगाते हैं फिर आगे जाते हैं, वहाँ से आगे की जो कार्रवाई है ना उसको करते हैं। अब हमारे जितने काम थे ऑलमोस्ट उसमें ना जो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए पहले तो वही चाहिए, उस पर थोड़ा टाइम लगता है। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये ना आज के आज कंप्लीट हो जाए और कल या परसों में हम लोग ना गोपेश्वर जाके अपना जो गाइड का लाइसेंस है उसको वहाँ अप्रूव कर लें, मतलब उसको वहाँ सबमिट कर लें। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है, बाकी आलोक भाई अभी ना तहसील में जा रखे वो वहाँ से वो करेंगे तो मैं यहाँ से फिर फॉरवर्ड करवाता हूँ और फिर हमारा काम ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ का जितना काम था ना वो अच्छे से सारा हो गया है, अब लास्ट में रह गया तहसीलदार साहब से साइन वगैरह करवाना है, फिर वो मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग भी ना गोपेश्वर निकल जाएंगे। तो चलो आज दिन भर का पता ही नहीं चला और दिन भर अपने काम में ना सभी इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला सुबह से शाम कब होगी। अब मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, ठीक है ओके, ठीक है साहब मिलते हैं कल। थोड़ा सा है भाई, चलो ठीक जो है। जब हम लोग सुबह के टाइम पे आए थे हम लोगों ने फर्स्ट जो हेल्थ का काम था अपना मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना था वो बनवाया और उसके बाद हम लोग फिर आ गए वापस तहसील में और सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला।
और अभी तक हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मतलब 100% में से 90% तैयार हो गया है। अब जिस टाइम पे मैं थाने में था ना अपने वेरिफिकेशन के लिए जा रखा था, उस टाइम वहाँ पे मतलब कॉल आया कि कंथा में ना रोड ब्लॉक हो गया है, तो वो इसी जगह पे हुआ था उस टाइम पे। ना मस्तूरा पहुँच गया और बाहर ना पूरा अंधेरा हो चुका है, और आज का दिन हमारा ना मार्केट में ऐसे ही गुजर गया, मतलब पता ही नहीं चला कि सुबह से शाम कब हो गए। बाकी यार बाहर ना बहुत ही भयंकर वाली बारिश लग रही है, और मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलता है आपको एक नए दिन के साथ नए सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।